देखिए कैसे बाढ़ बारिश ने देश के कई इलाकों को बेहाल कर दिया है। ऋषिकेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर बरसाती नाला पार करते दिखे। यहां बैराज चीला मार्ग पर नदी के उफान के बीच लोगों ने वाहन पार करवाए। एक एक कर गाड़ियों का काफिला वहां से गुजरा। नदी का प्रवाह इतना तेज था कि गाड़ियां बह सकती थीं। यहां तक कि दुपहिया वाहनों पर तीन तीन लोग सवार होकर पार करते दिखे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दोपहिया वाहन सवार लोग नदी को पार करते समय फंस गए। उत्तराखंड के नैनीताल और हल्द्वानी में भारी बरसात के चलते गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गौला बैराज से सबसे ज्यादा पानी डिस्चार्ज किया गया, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कलसिया नाले में किस तरह से पानी का रौद्र रूप आपको लगातार नजर आएगा। इधर से इसने रास्ते का भी कटान कर दिया। देखिए वो लोग वहाँ पर खड़े हैं जो इधर दूसरे छोर का इसने पूरी तरीके से संपर्क काट दिए, और लगातार देख सकते हैं पानी किस तरह का तेज बहाव से यहाँ पर चल रहा है। आगे जाके पूरी गौला नदी में कलसिया नाला मिलता है, तो कहीं ना कहीं खतरे की स्थिति अब हल्द्वानी में हो सकती है। पिछले साल भी भारी बारिश ने कलसिया में एक रौद्र रूप मचाया था, जिससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ा था। राजस्थान के टोंक में सहोदरा नदी उफान पर आ गई। ऐसे में इसे पार कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली सवार तीन लोग बीच में ही फंस गए, जिन्हें करीब तीन घंटे के रेस्क्यू के बाद सकुशल निकाला गया। ये तीनों लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नमुकिया से नदी पार कर खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे। इनका ट्रैक्टर बीच में पहुंचा कि नदी में अचानक पानी बढ़ गया और ट्रैक्टर के इंजन में पानी घुसने से ट्रैक्टर बंद हो गया। यूपी के बहराइच में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आया। गलियां दरिया बन गईं। यूपी के बरेली में दियोरनिया नदी पर बना कच्चा पुल बह गया, जिससे दर्जनों गांव के लोगों का रास्ता बंद हो गया। बताया गया कि ये कच्चा पुल चार महीने पहले ही बना था। कच्चा पुल बहने से बिजली के पोल के गिरने का खतरा भी बना हुआ है। असम में बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। बाढ़ से 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य की बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गांव के गांव डूब गए हैं। लोगों के घर सामान सब डूब गए हैं। असम में बाढ़ से भयानक मंजर है। 28 जिले के करीब 2500 गांव पानी में डूबे हुए हैं। तस्वीर में देखिए चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कल रात से हम लोग दिन 12 बजे तक हम लोग खाना नहीं खाया, अभी तक खाना नहीं खाया। पानी का अंदर में कैसे खाएगा बल बच्चा? और जो सामान वगैरह है वो सामान तो पूरा बिगड़ गया, अंदर ही है, पूरे अंदर ही है निकालने। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ ने कहर बरपाया। बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव डूब गए। लोग अपने अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए। असम राइफल्स ने बाढ़ से बचाव के लिए मणिपुर में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मणिपुर में जोरदार बारिश की भविष्यवाणी की है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही झमाझम बारिश ने तबाही मचाई। मानसून की पहली बारिश का सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में दिख रहा है। प्रदेश भर में कुल 115 सड़कें बंद हैं। इनमें से मंडी जिले में 107 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा बारिश के बाद कटोला नाले में पानी का बहाव बढ़ गया। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। बिहार के बक्सर में बारिश के बाद नाले का पानी स्कूल में भरने से छात्रों और शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले का पानी ओवरफ्लो होकर क्लासरूम में जा रहा है। इसके चलते टीचर्स स्टूडेंट्स की अटेंडेंस सड़क पर बनाने को मजबूर हैं। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के बनाए गए नाले का पानी उल्टी दिशा में बहकर स्कूल में जमा हो रहा है। राजस्थान के सीकर में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। नवलगढ़ रोड पर जलभराव के चलते स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं बजाज रोड पर 3 फीट तक पानी भर गया। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक सीकर में 7 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है।